नमस्कार दोस्तों, लीगल 24x7 में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक अधिवक्ता की न्यायालय के प्रति क्या क्या कर्तव्य होते हैं। दोस्तों, न्यायालय के प्रति अधिवक्ता के कर्तव्य को जो है बात करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अधिवक्ताओं का व्यवसाय कर्तव्य प्रणालिता का निश्चय का माना गया है। इसलिए यह इस व्यवसाय में वही व्यक्ति सफल हो सकता है जो अपने कर्तव्य के प्रति समुचित रूप से जागरूक व समर्पित है। जो अधिवक्ता हैं या एडवोकेट हैं, उनकी निम्नलिखित जो है कर्तव्य होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला ये है कि अपने वाद को प्रस्तुत करने एवं न्यायालय के समस्त अन्य कार्य करते समय अधिवक्ताओं को मर्यादा और सम्मान के साथ आचरण करना चाहिए। नियम यह भी स्पष्ट कर देता है कि अधिवक्ता दास नहीं होगा। यदि किसी न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध गंभीर शिकायत का उचित आधार है, तब अधिवक्ता का यह अधिकार व कर्तव्य है कि वे उचित प्राधिकारी के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करें। नंबर दो की अगर हम बात करें तो अधिवक्ता न्यायालय के प्रति आदर की दृष्टि को कौन को अपनाएगा, मतलब वो जो न्यायालय है उसको रिस्पेक्ट करेगा जब न्यायालय में जाएगा। न्यायिक अधिकारियों की कर्मर्यादा को न्यूनतम न स्वतंत्र समन्वय के अस्तित्व के लिए गंभीर खतरा होगा। अब इस नंबर तीन बात करें, कोई भी अधिवक्ता गैर कानूनी या अनुचित साधनों का प्रयोग करके न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। मतलब उसने गलत फैक्ट पेश कर दिए या पैसे दे के जो है अपना निर्णय अपने पक्ष में करवाने की कोशिश की, मतलब इस तरह की जो बातें हैं बेसिकली उसके बारे में ये कहा गया है कि कोई भी अधिवक्ता गैर कानूनी या अनुचित साधनों का प्रयोग करके न्यायालय के निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। नंबर चार है, अधिवक्ता अपने मुवक्किल को गलत और अनुचित कार्य करने से रोकेगा, और जो मुवक्किल ऐसे अनुचित कार्य करने की हट करता है उसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता नहीं करेगा। अधिवक्ता अपने मुवक्किल का प्रवक्ता नहीं है और पत्राचार में स्वयं अपना निर्णय लेगा तथा अपने विवेक से कार्य करेगा और अपने दौरान कटुवासी आक्रमण नहीं करेगा तथा बहस के दौरान क्रोध भरी भाषा का प्रयोग नहीं करेगा। मतलब जो बहस है ना वो बहुत डिसेंट बेसिकली होनी चाहिए, जो डिबेट होती है उसकी इसके बारे में बात की गई है। अब इसमें अगला है कि अधिवक्ता सदैव पोशाक में ही न्यायालय में उपस्थित होगा और उसकी दिखावटी उपस्थित होने योग्य होगी। नंबर छः, अधिवक्ता अधिनियम की धारा 30 में उल्लेखित है कि किसी न्यायालय में प्राधिकारी अथवा अधिकारी अधिकरण के समक्ष उस स्थिति में उपस्थित कार्य अभिवाचन अथवा प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा जबकि उसका एकाकी सदस्य या किसी सदस्य के साथ पिता, दादा, पुत्र, पुत्र, चाचा, भतीजी, भतीजे, सास, ससुर, पत्नी, पति, माँ, बहन, भाभी, पुत्र, वधू आदि का संबंध है। सातवां है, कोई भी अधिवक्ता न्यायालय में और न्यायालय के अतिरिक्त ऐसे समारोह में अवसरों तथा इससे स्थानों पर जहाँ भारतीय विधिक परिषद न्यायालय भी हितकर के अतिरिक्त अन्य कहीं पट्टियां अथवा गाउन नहीं पहनेगा। मतलब बेसिकली ये कहने का मतलब है कि एक वकील है, वो किसी शादी फंक्शन में पार्टी में गया और दोस्त में कहा कि मैं वकील हूँ मैं, तो भैया गाउन पहन के जा रहा हूँ, तो बेसिकली ये जो है न्यायालय की एक तरह से तौहीन मानी जाएगी, वो ऐसा नहीं कर सकता। बेसिकली ये उसके कर्तव्य हैं, करने को कर सकता है, इलीगल नहीं है, बट एक तरह का कर्तव्य जो उसको ये करना चाहिए, बेसिकली इसके बारे में बात की गई है। अब नंबर आठ है, यदि कोई अधिवक्ता किसी संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम की कार्यकारिणी समिति का सदस्य है तो वह ऐसे संगठन, संस्था, समाज अथवा निगम के पक्ष या विरोध में किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा अन्य अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। कार्यकारी समिति के अंतर्गत वह समिति अथवा व्यक्तियों का निकाय सम्मिलित है जिसमें संस्थान, समाज, या संगठन, निगम के कार्यकलाप का प्रतिबंध हित है। यह उल्लेखनीय है कि नियम न्याय मित्र के अनुरूप में उपस्थित होने वाले सदस्य के संबंध में लागू नहीं होगा। इसके साथ ही वे विधिक परिषद की में भी सोसाइटी अथवा विधिक संगम की ओर से निशुल्क उपस्थित होने वाले सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होगा। नंबर नौ, किसी अधिवक्ता को किसी ऐसे मामले में जिसमें वह स्वयं आर्थिक रूप से हितबंद है कार्य अथवा अभिवाचन नहीं करना चाहिए, जैसे दिवालियापन से संबंधित याचिका और अधिवक्ता स्वयं दिवालिया व्यक्ति को का लेनदार है तो उसे ऐसी संबंधित याचिका में कार्य नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अधिवक्ता के आचरण और शिष्टाचार के लिए व्यापक उपबंध बनाए गए हैं। नियम एक वाद दो यह उपबंध करता है कि अधिवक्तागण अपने मुवक्किल के वाद को भावरहित होकर प्रस्तुत करेगा, उचित आधार पर होने पर न्यायिक अधिकारी के विरुद्ध शिकायत करेगा, परंतु इसका अर्थ यह नहीं
की अधिवक्ता न्यायालय की अवमानना करे उसे सदैव न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। उसे विधिक व्यवसाय की मर्यादा के साथ ही न्यायालय की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ साइटेशंस के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के बारे में। ललित मोहन बनाम एडवोकेट जनरल के मामले में अधिवक्ता को मुंसिफ के विरुद्ध पक्षपात का आरोप लगाया और मुंशी ने अपने आदेश में किसी सिद्धांत का अनुसरण नहीं किया और अधिवक्ता को व्यवसाय और चार का दोषी ठहराया गया। नियम तीन और चार अधिवक्ता से अपेक्षा करते हैं कि वे अपने पक्ष में निर्णय हेतु अवैध अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें। स्वच्छ न्यायिक प्रशासन में अधिवक्ता का जो अत्यंत महत्व है उसे स्वच्छ न्याय प्रशासन में न्यायाधीश की सहायता ही करनी चाहिए। तो वास्तव में अधिवक्ता न्यायालय का अधिकारी होता है, उसका कर्तव्य है कि वे न्याय करने में न्यायालय की सहायता करें। अधिवक्ता को न्यायालय को जो है कभी भ्रमित नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। एक दो जजमेंट और इसमें दे रखे हैं, अगर आप उनको पढ़ना चाहें तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपके जो डाउट्स हैं कि एक अधिवक्ता की जो क्या क्या न्यायालय के प्रति जो कर्तव्य वो होते हैं होने चाहिए, वो डाउट्स सारे ख़त्म हो गए होंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिए, कमेंट में सजेशन देना मत भूलिए। आते रहूँगा इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।